आज इस वक्त हम मौजूद हैं हुशे में, खूबसूरत इलाका, खूबसूरत लोग, और इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है, हमें यहाँ पर इत्तेफाक कर मिला है मशहूर जो आलमी शोहरत हफ्ता को पेमा, जिन्हें जो मशहूर जो फुटबॉलर है रोनाल्डो, उन्होंने स्पेशल उनको बुला के स्पेन ले गया, उनके एजाज़ में वहाँ पर पार्टी दी गई, उनसे मिले। तो आज हमारे साथ मौजूद है लिटल करीम साहब। अस्सलाम वालेकुम करीम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसी तबीयत है आपकी? बस शुक्र ठीक है जी, अल्लाह के। कैसी जिंदगी गुजर रहा है इस वक्त? जिंदगी तो बहुत गुजर गया जी। अच्छा, अभी किस साल में गुजर रहा है? अभी तो बस अभी एक तो उम्र भी आया, एक तो बीमार भी हो गया। अच्छा जी, अभी माशाल्लाह से सेहतमंद लग रहा है हमें तो अभी तो इसी में तो बस है। पहाड़े पहाड़ आपको बुलाते हैं इस वक्त? अभी भी दिल करता होगा पहाड़ों पे अभी भी चढ़े? ओहो, अभी भी रोते हैं ना कभी। अच्छा, टेंट पे कंकुड़िया वगैरह कोई नज़र आ गया, क्योंकि 2 साल पहले हम गया था वहाँ कंकुड़िया में। अच्छा जी, हमारे पोतियों के साथ गया था वहाँ। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ ये पहाड़ देख के भी सुकून मिलते हैं आप लोगों को। बिल्कुल जी जी जी, शौक़ है आप लोगों का, जुनून है, बहुत शौक है, हमारे बचपन से ही शौक था। माशाल्लाह आपकी पोतियाँ भी इस वक्त कोपेमाई की दुनिया में आ चुके हैं, तो जी वो इस वक्त कौन से जो मिशन पे है बता सकते हैं? अभी तो ये अभी 2 साल हो के, पिछले साल में कोई एक भी नहीं आया था कोरोना की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, वो इस साल कोई कम आया था, इसमें से कुछ हमारा दोस्त था वो आना नहीं हो गया जी, ये कोरोना के डर के। आप तो यहाँ पे होते, होटल में लोग आते आपसे मिलते, लोग पहचान लेते आपको? जी जी, बहुत। अच्छा जी, बहुत से, क्योंकि मैं होटल में नहीं हो गया तो भी घर में भी कोई बंदे। अब मैं यहाँ पे होटल पे देखा नाजरीन के एक कमरा पे लगा हुआ है, वहाँ पर लिटल करीम आपके नाम से ही मंसूब है, तो आप वहीं पे होते होंगे शायद अक्सर? नहीं 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 नहीं, मैं तो अपना घर में ही रहता है, क्योंकि इधर नज़दीक है। अच्छा जी, तो वहाँ रहते हैं, क्योंकि ये होटल जो है ना ये बहुत यहाँ ज़रूरी था जी। बिल्कुल, क्योंकि ये जितना नीचे से ऊपर से बहुत फॉरनर का यहाँ सेंटर है, तो हुशे में कुछ रहने का कुछ बैठने का जगह नहीं हो गया, तो बहुत वो प्रॉब्लम था। तो अल्लाह के फजल से अभी ये स्पेनिश वालों ने ये होटल बना के अभी सबके लिए तो सहूलियत भी होता है। बिल्कुल सहूलियात, अभी कुछ ऐसी बुनियादी सहूलियात है इनकी बहुत अशद ज़रूरत है। आप मुझे ये बता दें कि यहाँ से केटू जो बेस कैम्प है जो वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है? यहाँ से करीबन 3 दिन लगता है। 3 दिन लगता है पैदल सफ़र? पैदल सफ़र। अच्छा जी, तो 3 दिन लगते हैं। आप कितने दफ़े गए? तो वहाँ से आने का 1 दिन भी लगते हैं। अच्छा जी, वहाँ के टू बेस कैम्प से, क्योंकि वहाँ से थोड़ा उतराई है जी, यहाँ से थोड़ा चढ़ने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 2 दिन में ही खाली खाली गया तो 2 दिन में ही पहुँचते हैं। अच्छा जी, ये टू बेस कैम्प तक। तो आप आखिर में हमें ये बता दें कि आपको जो रोनाल्डो है उन्होंने बुला के आपको स्पेन ले गया था, वो आप ज़रा बता दें हमारे नाजरीन को। स्पेन में कौन से जो साल का साल में? ये 2 साल पहले था। अच्छा, तो रोनाल्डो से वहाँ स्पेन में मैड्रिड में मिला हुआ था जी, क्योंकि इनका वो पूरा खिलाड़ी था वहाँ, ये रोनाल्डो भी था, ये मेसी भी था, वो दूसरे भी कोई सारे जो है ना वहाँ ये मैड्रिड में था, इनसे मिला के करीबन 40 मिनट तक इनके साथ मुलाकात हुई, मुलाकात हो गया जी, जी। उसके बाद हम लोग को यहाँ आने का वो था, तो हम वहाँ से। चलो जी, बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये थे लिटल करीम जो वर्ल्ड लेवल पे नाम है इनका कोपेमा में, और ये आप स्पेन भी चले गए रोनाल्डो से मिलने के लिए, तो हम आपको मज़ीद भी दिखाएंगे यहाँ के खूबसूरत जो नज़ारे हैं जी।